जय जिनेन, महावीर जयंती की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं पर्यूषण के इस शुभ मौके पर। भगवान महावीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा काल जो होता है उपवास का होता है, और इसमें मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता, 24 तीर्थंकर महावीर भगवान ने ये लोगों को बताया कि पिछले पूरे साल के और आने वाले अगले साल के लिए, घर परिवार सभी के लिए, समाज के लिए अहिंसा परम धर्म की बातें उन्होंने बताई और सिखाई, जिस पर पूरा जैनिज्म बना हुआ है, टिका हुआ है। और उन्हीं 24 तीर्थंकरी महावीर भगवान की जयंती, और हम जब जयंती की शुभेच्छा देते हैं तो उसके मायने ये होते हैं कि भगवान महावीर ने बताए हुए रास्तों पे चलना, उस पर अमल करना और अपने जीवन को, समाज का के अंदर के माहौल को सुधारना, गरीबों का ध्यान रखना, विधवाओं का, यतीमों का, जो ऑर्फन्स हैं, जो गरीब हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से कम कुवत है, जिनको रोजी रोटी की तकलीफें हैं, ऐसे वर्ग की सेवा करना, ये सारे तीर्थंकर जो है अपनी बातों में बताते हैं। जो इस समय जो व्याख्यान होता है उसमें तमाम महाराज इन्हीं बातों पे उनका एम्फेसाइज होता है कि अपने जीवन को स्वच्छ सुंदर किस तरह से बनाया जाए। तो आत्मा का शुद्धिकरण अगर करना है तो भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलना है, और उस रास्ते पर चलने से ही आपको हमको मुक्ति मिलती है और आपका हमारा जीवन स्वच्छ और सुंदर बनता है। यही चीज़ें महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सारे समाज को बताई गई है और सारे लोग इसका पालन करते हैं। मेरी तरफ से भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।